हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कैनवा के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत भी मालूम हो कैनवा के बारे में, तो आपको पता होगा कि कैनवा ऑनलाइन बेस्ड जो है ये काम करता है, यानी कि अगर आपके पास इंटरनेट ऑन है आपके कंप्यूटर में तभी आप इसे चला सकते हैं, अदरवाइज आप इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पर किस किस तरह के पोस्टर या फिर किस तरह के PDF हम बना सकते हैं। एकदम बेसिक में देख लेते हैं क्या क्या हम बना सकते हैं जो मैंने बनाए हैं, उसके बाद जो है हम आपको सिखाएंगे कि क्या क्या शुरुआत में जानना ज़रूरी है। जैसे कि एक ये पोस्टर है, ये पोस्टर प्रिंटिंग के लिए प्रिंट हुआ है पोस्टर बाद में, जो कि मैंने कैनवा से ही बनाया था। यहाँ पर देखेंगे कि धनतेरस, दिवाली की शुभकामनाएं, यहाँ पर दिवाली के दियों की भी जो है PNG फोटोज़ लगी हैं, यहाँ पे अलग अलग कलर्स हैं यहाँ बॉक्सेस में। इसको आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डिज़ाइन के एस्थेटिक्स को एक बार समझ जाएंगे तो आने वाले समय में आपके लिए कैनवा बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे देखेंगे तो इसी तरह के कुछ पोस्टर्स और भी हैं। अगर आप ये भी देखेंगे तो नीचे भी इस पोस्टर्स में कुछ टेक्स्ट लिखे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वन बड़े अक्षरों में लिखा है। ये सब डिज़ाइन के एस्थेटिक्स हैं। और यहाँ पर भी देखेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको, यहाँ भी यहाँ भी। ये भी थोड़ा एक एडवांस सा है, इसके पीछे बैकग्राउंड है, इसमें टेक्स्चर है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है। इसी तरह से एक लोगो भी देख लेते हैं, सिंपल लोगो है, कुछ भी खास नहीं है। जैसे एक मैंने बर्थडे विश किया था सर को, तो कुछ इस तरह से मैंने पोस्टर्स बना लिए थे। इसी में से एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ से अपने PDF भी बना सकते हैं। PDF में क्या क्या बना सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ से देखेंगे, मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया था अपनी फोटोग्राफी जब मैं कर रहा था, तो कुछ इस तरह के PDFs थे। अगर आप देखेंगे, ये इसकी हेडिंग थी, फिर ये यहाँ पर फ़ोटोज और उसके रहने के बारे में बताया था मैंने, फिर इस तरह से कुछ अलग अलग तरीके से मैंने बनाया था। इसी तरह से कुछ और अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ, तो ये मैंने A4 साइज़ में बनाया था। अभी हम सारे साइज़ों के बारे में भी बात करेंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरह से फ़ोटो का मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया था। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक CV है मेरा यहाँ पर, खैर इसको रहने देते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो मेरे डिटेल्स होते हैं। और एक और जो बहुत ही साधारण सा मैंने बनाया था, एक कोई नोट्स मैंने लिखा था उसके बारे में, देख सकते हैं असाइनमेंट ऊपर मैंने लिखा, और इस बुक के बारे में और फोटोग्राफर के बारे में, और सेकंड पेज पर मैंने ये सब करके नीचे एक एंडिंग का एक नोट भी लगा दिया। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर कैसे बना सकते हैं। एक और अगर आपको उदाहरण के लिए दिखाऊँ, ये भी एक PDF है, यहाँ पर फ़ोटो ऐसे मैंने बनाया था। ये सारी चीज़ें जो है कैनवा से बनाना क्यों इतना आसान है, क्योंकि बनाने के लिए तो आप और भी बहुत सारी चीज़ों से बना सकते हैं, बट कैनवा क्यों आसान है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए, कैनवा एक क्लाउड बेस्ड वेबसाइट है, जहाँ से कि अगर आपने कोई डिज़ाइन यहाँ पर बनाया, और अगर आप चाहते हैं तो भारत के किसी कोने या फिर दुनिया के किसी कोने में जहाँ पर इंटरनेट हो, आप अपने इस ईमेल आईडी पासवर्ड को लॉगिन करके आप वापस उस डिज़ाइन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर उस डिज़ाइन में चेंजेस भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि कैनवा अगर आपने वेबसाइट पर बनाया है कोई डिज़ाइन, और अगर आप मोबाइल में उसे देखना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर एडिट भी करना चाहते हैं, तो मोबाइल में भी कैनवा के एप्लीकेशन है। तो सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है इस इंटरनेट की दुनिया में। तो चलिए एक और चीज़ आपको मैं समझाता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है, कि अगर आप कुछ बना रहे हैं, कोई पोस्टर बना रहे हैं, कोई PDF बनाना है, तो आप बना किसके लिए रहे हैं, आपको करना क्या है, उसका आउटपुट का पता तो होना चाहिए। जैसे कि आप अगर अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, कोई जॉब करना है। तो इसी तरह से अगर आप कोई डिज़ाइन या पोस्टर बना रहे हैं, तो आपको उसका करना क्या है, आपको उसे प्रिंट करना है, और अगर प्रिंट करना है तो किस पेपर साइज पर प्रिंट करना है, और अगर आपको सोशल मीडिया पे डालना है तो कौन से सोशल मीडिया पे डालना है। सोशल मीडिया जो फ़ोटो एक्सेप्ट करता है उसकी जो साइज़ होती है वो अलग अलग होती है। तो जैसे कि इंस्टा का एग्जांपल लेते हैं, इंस्टाग्राम का, जैसे कि ये इंस्टाग्राम का साइज़ है, जैसे कि अगर आप कोई फ़ोटो पोस्ट करते हैं तो आप जो है 1.91:1 के रेशियो, यानी कि 1080x565 पिक्सल, PX मतलब पिक्सल की साइज़ में यहाँ पर आप इसको फ़ोटो डाल सकते हैं। और भी अलग अलग साइज़ डाल सकते हैं, लेकिन ये साइज़ इसका मिनिमम है, यानी स्टैंडर्ड साइज़ कह सकते हैं। वहीं पर 4:5, यानी कि ये पिक्सल्स में भी वैल्यू लिखे हुए हैं, जो वर्टिकल फ़ोटो है वो इस साइज़ में आप डाल सकते हैं, और 1:1 यानी कि जो इसका स्क्वायर साइज़ फ़ोटो है वो इस साइज़ में आप डाल सकते हैं। और वहीं पर स्टोरी या फिर रील्स के लिए आपको 9:16 यानी कि 1080x1920 पिक्सल का आपको कोई फ़ोटो या वीडियो बनाना पड़ेगा। तो ये तो हो गई बात इंस्टाग्राम की। और भी तो चीज़ें हैं, जैसे कि प्रिंटिंग या फिर कोई और भी पोस्टर, जैसे कि A4 साइज़ के शीट्स। अगर आप इसके एक साइज़ को नहीं समझेंगे तो आपको इसको डिज़ाइन करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि आपने कुछ और डिज़ाइन किया और आप सोशल मीडिया पे डालेंगे तो आपके जो पोस्टर्स हैं वो कट जाएंगे, चाहे ऊपर से क्रॉप होगा, नीचे से क्रॉप होगा। तो चलिए देखते हैं, मैंने कुछ फ़ोटोज़ आपके लिए डाउनलोड किए हुए हैं, जैसे कि ये जो
इसको आप समझिए। जैसे स्टैंडर्ड ब्रोशर का जो साइज है A3 साइज, A4 साइज, A5 साइज, DL साइज, तो A3, A4, A4 बहुत ही फेमस है। आप अपने किसी भी स्टेशनरी शॉप में देखेंगे या फिर आप अपने कॉपी भी देखेंगे तो A4 साइज़ के पेपर्स उसमें होते ही हैं। तो उसके जो साइज इन पिक्सल्स हैं वो पिक्सल्स यहाँ पर लिखे हैं 3508 × 2480, और इसी की साइज जो सेंटीमीटर में वो अलग है, क्योंकि प्रिंटिंग में जब जाते हैं तो वहाँ पर सेंटीमीटर्स, इंच और mm और इंच में बात होती है, लेकिन जब डिज़ाइनिंग की बात आती है तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग पिक्सल्स ही बात करते हैं। पिक्सल्स इसलिए बात करते हैं क्योंकि जो हमारी मोबाइल का स्क्रीन है या फिर कैमरा है वो सारे पिक्सल्स पे काम करते हैं। और ये बहुत लंबी बात है, लेकिन आप सिंपल समझें कि PX मतलब पिक्सल, और जितना ज़्यादा पिक्सल उतनी अच्छी फ़ोटो की क्वालिटी होगी। और पिक्सल्स अगर आप देखेंगे 3508 × 2480, तो ये जो पिक्सल्स हैं वो सेंटीमीटर में इतने होते हैं और mm में इतने होते हैं और इंचेस में इतने होते हैं। तो आप इस चारों में से किसी का भी यूज करके आप सेम टू सेम उसी पेपर पर जा सकते हैं। अब यहीं पर एक बात आती है कि हम अगर हम कुछ बनाते हैं तो उसका ओरिएंटेशन क्या होता है या फिर एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है। तो एस्पेक्ट रेशियो जैसे कि आपने पिछले वाले हमारे फोटोज़ में देखा, एस्पेक्ट रेशियो ये है, एस्पेक्ट रेशियो अगर आप समझेंगे जैसे ऊपर लिखा है 9:16, ये रेशियो है यानी औसत है, अनुपात है। अगर 9 जो है इसकी चौड़ाई है तो 16 इसकी ऊंचाई है। जैसे ये 1:1 लिखा है, इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसको 1:1 बोला है, आप इसको 2:2 भी बोल सकते हैं क्योंकि इधर भी 2 इधर भी 2, तो इस तरह से भी बोल सकते हैं, लेकिन 2:2 तो कट कर देंगे तो 1:1 हो जाएगा, ऐसा मैथ में आपने पढ़ा ही होगा। जैसे 4:5 है, तो आप नंबर से भी देखें 4 और 5 अगर बड़ा है तो आप देखिए कि ये जो साइज है बड़ा किधर है, वही 5 होगा। तो ये बड़ा लंबवत में है, लंबाई में है, तो ये 5 है और ये 4 जो है चौड़ाई है। यहीं पर अगर मैं आपको ओरिएंटेशन भी बता दूं, ओरिएंटेशन क्या होता है, तो देखिए ओरिएंटेशन होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अगर कोई फ़ोटो हॉरिजॉन्टल बड़ी है यानी कि चौड़ाई उसकी बड़ी है तो वो फ़ोटो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में है, और कोई फ़ोटो लंबवत है जैसे ये फ़ोटो 4:5 वाली फ़ोटो है तो ये वर्टिकल फ़ोटो है क्योंकि इसकी लंबाई बड़ी है। जैसे कि आपकी जो मोबाइल स्क्रीन है जहाँ पर कि आप रील्स देखते हैं वो वर्टिकल मोड में आप देखते हैं, और कोई यूट्यूब की कोई इंटरव्यू कोई वीडियो देखते हैं जो कि आप फ़ोन को टर्न करके मतलब ऐसे बड़ी स्क्रीन पर देखने लगते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल में देखते हैं। जैसे कि आपके लैपटॉप की स्क्रीन वो हॉरिजॉन्टल है। तो ये तो बात हो गई साइज की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक बिगनर्स हैं। तो अब हम चलते हैं अपने कैनवा पेज पर और हम कुछ एक डिज़ाइन करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक पोस्टर यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं जिसमें कि कुछ इन्फॉर्मेशन हो और कुछ कलरफुल टेक्स्ट हो और एक फ़ोटो भी हो, ताकि ये सारे मिलके आपको एक बेसिक आइडिया दे दे कि पोस्टर कैसे काम करता है और सारी जो डिज़ाइनें हैं वो कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैनवा के पेज पर अगर आप देखेंगे तो इस कॉर्नर में है क्रिएट अ डिज़ाइन। तो यहाँ से क्रिएट डिज़ाइन पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमसे पूछता है कि आपको क्या साइज़ लेना है, कोई डॉग है, वाइट बोर्ड, लोगो, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है, यूट्यूब का थंबनेल बनाना है। ऑलरेडी ये हमें बना बनाया साइज देगा, लेकिन हम अभी के लिए इसे कहेंगे कि मुझे कस्टम साइज बनाना है, ताकि आपको आइडिया लगे कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर डायमेंशन है आप उसे कैसे यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे ही कस्टम साइज पर क्लिक करेंगे तो ये मुझसे पूछता है कि विड्थ क्या है, हाइट क्या है और किस यूनिट में आप इसे माप रहे हैं। तो मैं तो पिक्सल में ही मापूंगा, वैसे इंच, mm, सेंटीमीटर में भी आप इसको डाल सकते हैं, बात वही होगी। तो पिक्सल्स में डालेंगे और हम यहाँ पर A4 साइज का हॉरिजॉन्टल बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए जो मैंने आपको साइज ऑलरेडी यहाँ पर बताया था, तो फिलहाल इसको हम डाल के देखते हैं। तो ये नंबर है 3508 × 2480। तो हम चलते हैं अपने कैनवा पे, तो वर्टिकल में हम इसको छोटा रखेंगे तभी तो हमारा हॉरिजॉन्टल बड़ा होगा। तो हम इसको रखते हैं 2480, और इसकी जो विड्थ है उसको हमें बड़ा करना है तो वो हम कर देंगे 3508, यानी कि जो हम इसकी चौड़ाई बड़ा कर रहे हैं, और इसकी हाइट को हम छोटा कर रहे हैं तो 2480। ये A4 साइज का पेपर है लेकिन हॉरिजॉन्टल में है। तो यहाँ पर एक लॉक का है, अगर आप इसे लॉक करते हैं तो इससे क्या होता है कि अगर आपने कुछ भी चेंजेस किया तो दूसरा जो इसका पार्ट है यानी कि अगर आपने विड्थ में कुछ चेंज किया तो हाइट अपने आप चेंज होगी। जैसे कि देखिए एक मैंने डिलीट किया तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ नंबर कम हो जाएंगे। ये मतलब रेशियो में काम करने लगता है जब आप प्लस इसको लॉक करते हैं। क्रिएट न्यू डिज़ाइन पर करते हैं तो हमारे पास एक नया पेज मिल जाता है। जैसा कि मैंने कहा अगर आप इसे सीधा कर देंगे
यानी कि घुमा देंगे तो ये वर्टिकल होगा, लेकिन यहाँ पर भी घुमाने का पॉसिबल नहीं है। आपको जब डिज़ाइन क्रिएट कर रहे थे तो ये नंबर ही आपको, ये बड़ा नंबर जो है आपको हाइट में डालना था। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये एक नया इंटरफेस आपके लिए खुल गया। ये वही इंटरफेस है जहाँ से आप सब कुछ एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा मैं बता दूँ यहाँ पर क्या क्या आपको दिखने को मिल रहा है। 3 डॉट्स हैं जिससे कि आप वापस से अपने डिज़ाइन पैनल में चले जाते हैं कि आपने क्या क्या अभी तक डिज़ाइन किया है। अभी ये नया अकाउंट है तो यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन नहीं है। इसके बाद फाइल्स हैं, रिसाइज, ये प्रीमियम फीचर है, इसको रहने देते हैं। अनडू और रीडू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कोई चीज़ें यहाँ पर बना दी और आपको लगता है गलत हो गया तो कंट्रोल जेड दबा देंगे तो वापस आप चले जाते हैं। तो अनडू और रीडू। और ये क्लाउड सेव्ड है, अगर आपका इंटरनेट है तो ये सारी चीज़ें सेव होती जाती है, ये यहाँ पर इसको बता रहा है। यहाँ पर रीनेम करने के लिए आप अपने इस डॉक्यूमेंट का रीनेम कर सकते हैं। मैं इसको डेमो यूट्यूब लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद अपग्रेड टू, यानी अपना प्रमोशन कर रहा है। और यहाँ पर और भी सारी चीज़ें शेयर करके डिलीट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो डिज़ाइन है, एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट हैं, ब्रांड, अपलोड्स, ड्रॉ, प्रोजेक्ट्स, एप्स और यहाँ पर फोटोज हैं। ये फोटोज़ के ऑप्शंस मैंने बाद में ऐड किए हैं, मैं आपको बता दूंगा ये आप यहाँ पर कैसे ऐड करेंगे। फोटोज़ में क्या होता है कि जो भी क्लाउड पर फोटो होते हैं जिसे गूगल से कोई डाउनलोड करता है, आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से इंपोर्ट करके यहाँ पर ला सकते हैं। ये भी मैं बताऊँगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये डिलीट हटा दिया मैंने, मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम डिज़ाइंस को ही अगर देख लें, यहाँ पर एक चीज़ और है फाइल्स, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। सबसे पहले डिज़ाइंस को समझते हैं। डिज़ाइंस में ये बता रहा है, यहाँ पर कुछ ट्रेंडिंग चीज़ें भी होती रहती, जैसे अभी जन्माष्टमी चल रहा है तो अगर आप जन्माष्टमी सर्च करते हैं, या तो सर्च करते हैं या फिर आप यहाँ क्लिक करते हैं, तो जन्माष्टमी से जो रिलेटेड जो भी टेम्पलेट्स होंगे ये आपको दे देगा। और आप अपने हिसाब से इसको क्लिक करके अपने हिसाब से इसके फ़ोटो चेंज कर दीजिए, या टेक्स्ट आप अपने हिसाब से लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कि अगर आप उसने कुछ टेम्पलेट्स दिया तो आप बना सकते हैं इस तरह से। लेकिन ये टेम्पलेट्स पे हम अभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि टेम्पलेट्स पे काम तो करना ही है बाद में, लेकिन उसकी बेसिक्स तो हम पहले जान लें। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो स्टाइल भी है, जिसमें कि कलर्स के प्लेट पैलेट्स वगैरह हैं, फॉन्ट्स वगैरह हैं, कि आप कौन सा फॉन्ट यूज करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से तय कर सकते हैं पहले ही। वैसे आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन चाहें तो आप इसे पहले ही सेलेक्ट कर लें, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल हम इसे भी रहने देते हैं, ये सब बहुत बाद की चीज़ें हैं। तो इसके बाद यहाँ से जैसा मैंने बताया टेम्पलेट्स में कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं या फिर नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। यहाँ से एलिमेंट्स में चलते हैं। एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी जो पोस्टर डिज़ाइन होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे, हार्ट का निशान या फिर ये शेप्स में देखते होंगे, कोई लाइंस देखते होंगे। तो हर बार कोई लाइंस ऐसे खींचता नहीं है, बस इसको इम्पोर्ट कर दिया, उसके कलर्स चेंज कर दिए। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको कि करके वो किया जा सकता है। जैसे कि आप ये देखते हैं, कई बार देखते हैं कोई एरो है, कुछ भी तरह की चीज़ें, तो ये शेप्स में आते हैं। और आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसको बढ़ा घटा सकते हैं, कॉर्नर इसके मोड़ सकते हैं, कई सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गई शेप्स की बात। टेक्स्ट तो समझ ही रहे हैं कि टेक्स्ट डिज़ाइन की बात कर रहा है। यहाँ पर अलग अलग तरह के डिज़ाइंस भी हैं। अगर आपको किसी के कॉर्नर में प्रो दिख रहा है तो आप इसे फ्री वर्जन में यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको पैसे दे रहे होंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में भी दिखती हैं, जैसे कि दिस इज़ अ प्योर गोल्ड लिखा है और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। वैसे फ़िलहाल भी ये वाइट है तो इसकी वजह से ये पूरा साफ़ नहीं है, फ़िलहाल इसे डिलीट कर रहे हैं। टेक्स्ट ये हो गया। ब्रांड्स है, इसको भी आप रहने देते हैं, ब्रांड भी अभी हम नहीं देखेंगे। अपलोड्स, ये भी बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई फ़ोटो यहाँ यूज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपलोड करना होता है, और ये हमेशा के लिए यहाँ पर सेव रहते हैं। तो आप यहाँ से अपलोड भी, आपको अपलोड यहाँ पर करना है। ड्रॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग वाली, आप जैसे पेंट बनाते थे ना, एमएस पेंट, एमएस ऑफिस में कंप्यूटर में, तो वो यही चीज़ है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस है और बहुत ही स्मूथ भी है। ये ड्रॉ हो गया। प्रोजेक्ट्स वही है, जो फाइल आप बनाएंगे वो प्रोजेक्ट्स में आएंगे। ऐप्स में अगर आप कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें रखना चाहते हैं, जैसे कि वो मैंने कहा था फ़ोटोज़ के बारे में, ये फ़ोटोज़ ऐड हो गए। यहाँ पर कोई चार्ट्स वगैरह भी एंटर अगर आप करना चाहते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, तो चार्ट्स वाले भी यहाँ पे, चार्ट्स में डालेंगे तो वैल्यू, कोई भी आप वैल्यू डालेंगे तो वो वैल्यू अपने आप इस चार्ट्स में एंटर करके आप इस चार्ट्स को भी बना सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे चार्ट्स डाला और एक चार्ट्स चार्ट एंटर किया। कैसे किया? चार्ट्स में गए, कोई भी एक चार्ट ले लिया, आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में या फिर कहीं भी, ये चार्ट्स हैं। इसको रहने देते हैं कि ज़्यादा एडवांस हो गया। अभी वापस से हम चलते हैं अपने, एक कोई डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस पेज में क्या दिख रहा है, एलिमेंट्स में रहते हैं, पेज में क्या दिख रहा है, एक वाइट पेज।
और उसके ऊपर एक प्लस का निशान जिसको कि डुप्लीकेट, यानी इसी पेज को डुप्लीकेट करेंगे तो एक और पेज बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एक और पेज बन गया। यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, दोनों पेज को आप एक साथ देख सकेंगे। वहीं पर किसी एक पेज को डिलीट करना हो तो उसको डिलीट कर सकते हैं, और इंडिविजुअल आप पेज के नेम भी रख सकते हैं यहाँ पर ऐसे लिख के। तो फिलहाल के लिए एक पेज को डिलीट कर देते हैं ताकि हमारे पास एक स्पेस हो। यहाँ से इसको थोड़ा जूम कर सकते हैं, यहाँ पर जूम के परसेंटेज हैं, फिट फील और यहाँ से 50% और जो भी आपको साइज ठीक लगे। यहाँ से बड़ा स्क्रीन करके भी आप अपने पेज को देख सकते हैं, आपने पेज पे कुछ अगर बनाया हो इस तरह का। तो चलिए अब यहाँ से हम कुछ डिज़ाइन करके देखते हैं। तो ये वाइट पेज है, अगर आप इस पेज का सबसे पहली बात तो अगर कलर करना चाहते हैं तो कलर भी कर सकते हैं। जैसे ही आप पेज पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे चारों तरफ एक ब्लू कलर का, बैगनी कलर का एक सिलेक्शन आ जाता है। यहाँ से क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप इसके पेज के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई पेज के कलर को चेंज करने की। अगर कुछ भी इसको करना है, वापस इसको सेलेक्ट करेंगे, वापस यहाँ जाएंगे और इसको कलर चेंज कर सकते हैं। ऑलरेडी कलर पैनल में अगर आप कोई मैनुअल कलर डालना चाहते हैं तो तब फिर आपको इस व्हील पे क्लिक करना है और यहाँ से आप इस व्हील को सेलेक्ट करके कलर को चेंज कर सकते हैं। कलर में ही दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो ग्रेडियंट्स का है। दोस्तों यहीं पर मैं आपको बता दूं कि कलर में जितने भी कलर के काम होंगे इसी तरह के पैलेट आपको मिलेंगे, तो आपको ये समझ लेना है। जैसे ये ग्रेडियंट में देखें, ग्रेडियंट्स क्या होता है कि दो कलर मिलके इसको एक अच्छा सा एकदम स्मूथ सा लुक दिया है। तो इसमें देखेंगे तो ब्लैक और ब्लू का मिक्सर है। तो वापस इसको क्लिक करेंगे तो ऊपर पे आपको कलर प्लेट दिखेगा, और ये जो इस बार है यहाँ से चेंज करना है आपको। इस पर क्लिक करेंगे और आपको ग्रेडियंट में ले जाएंगे, सॉलिड कलर नहीं, सॉलिड कलर मतलब सिंगल कलर। ग्रेडियंट में जैसे ही जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे थोड़ा ग्रे है। इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, यहाँ से ब्लैक और ग्रे दोनों कलर आपको दिख रहा है, ब्लैक पे क्लिक करके हम रेड कर सकते हैं, ग्रेडियंट इसको क्लिक करके हम कोई पिंक वाइट या फिर जो भी ग्रीन में कर दें तो ग्रीन हो जाएगा, थोड़ा सा ब्राइट कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। दो कलर मिलके इसने इसको स्मूथ सा बनाया। इसके हम ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हैं। अभी क्या देखेंगे, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो अब यहाँ जैसे ही दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो ये 180 डिग्री पे आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 135 डिग्री पे आ जाएगा, ये बीच से निकल के कुछ ऐसा आएगा, ये कॉर्नर से आएगा। तो ये जो बेसिक्स हैं ना, आपको ये बहुत समझना जरूरी है कि कलर्स इसमें कैसे रोल प्ले करते हैं और कलर्स में कैसे ये सब हम सेटिंग्स ला सकते हैं। तो ये तो हो गई ग्रेडियंट की बात। अभी के लिए फिलहाल हम इसको सॉलिड कलर में कर देते हैं, यहाँ से जाएंगे सॉलिड कलर और वापस यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इतनी सारे चेंजेस किए लेकिन मुझे लग रहा है नहीं यार, सॉलिड कलर नहीं लेना है, मुझे वापस उसी में जाना है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड दबा दूंगा तो वापस चला जाऊँगा, या फिर यहाँ से अंडू अंडू अंडू। देखिए ये सब चीज़ें मैंने किया था और लगता है नहीं नहीं ये ठीक नहीं, आगे जाना है तो आगे के लिए ये बटन दबाइए या फिर कंट्रोल शिफ्ट जेड, कंट्रोल शिफ्ट जेड, देख रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर चीज़ों को काम में ला सकते हैं। अब क्या है, ये रेड तो हो गया लेकिन हमें यहाँ पे वाइट ही चाहिए, तो वापस से हम इसको वाइट क्लिक करके वाइट ले आते हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ पर टेक्स्ट की बात है कि यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है। तो खैर अभी हम वाइट पे अगर टेक्स्ट लिखेंगे, चलिए आ तो जाएगा, हम ब्लैक में लिखेंगे। तो टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से टेक्स्ट, कोई सा भी टेक्स्ट आपको इन्होंने दिया हुआ है, बाद में आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर साइज बड़ा है, फिर थोड़ा छोटा है और बोल्ड है, फिर सबसे छोटा है। तो इसका एक बताने का तरीका कि कोई आप अगर हेडिंग लेते हैं तो उसको बड़े अक्षर पे लीजिए। तो इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया ये यहाँ पर आ गया एड अ हेडिंग। अगर आपको इस हेडिंग को कहीं भी मूव करना है तो आप इसको कहीं भी इसे मूव कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो कुछ लाइन्स यहाँ पर पॉपअप हो जाते हैं और वो हमें गाइड कर रहे हैं कि ये जो है पूरा बीच में आ गया है, मतलब इसका जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल बीच में है, इस ये जो पेपर है इसके बीच में है। तो ये हमें गाइड करता है, अगर हम इसको ऐसे यहाँ पर लाएं तो ये बताता है कि लाइन, इस लाइन के बीच में आपका ये टेक्स्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। यही गाइड से एक और चीज़ जो मुझे याद आया कि एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पर फाइल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग में आपको रूलर्स एंड गाइड्स दिखेंगे। जैसे आप इसे ऑन करते हैं तो देखेंगे कि ऊपर कुछ नंबर्स आ गए हैं और लेफ्ट में भी नंबर्स आ गए हैं। ये नंबर क्या है, ये नंबर हमारे इस जो पेपर है उसकी साइज है, और यहीं से हम इसके गाइड भी ले सकते हैं हमेशा में। जब भी तो गाइड है क्या कि ये चला जाता है गाइड, लेकिन आप चाहते हैं कोई गाइड ऐसा जो कि यहीं पर रहे तो वो इस तरह से आप नीचे खींच के ला सकते हैं। तो इस गाइड का क्या फ़ायदा है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कोई टेक्स्ट यहाँ पर आए इस तरह से, गाइड को नीचे कर देते हैं, गाइड के इस लाइन में, इसी लाइन में एक और टेक्स्ट आए। अगर हम चाहते हैं कि, क्योंकि अगर आप दो टेक्स्ट को बराबर रखना चाहते हैं, बार बार दो टेक्स्ट हो या फिर कुछ भी ऐसा डिज़ाइन हो,
तो इस गाइड के ही मदद से आप रख सकेंगे। और भी ऑप्शंस होते हैं लेकिन गाइड कितना सही ऑप्शन है ना कि आप किसी चीज़ को एक अलाइनमेंट में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई गाइड की बात। अब जैसे कि टेक्स्ट को अगर आपको मूव करना है तो एक ऑप्शन तो है कि ऐसे आप मूव कर सकते हैं, दूसरा है कि अगर आपको बहुत ही प्रिसाइजली इसे मूव करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो एक ऑप्शन है कि आप इसको सेलेक्ट करें और अपने कंप्यूटर में जो इसे एक ऑप्शन होता है ना एरो के चारों तरफ जो एक एक एरो है उससे भी आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके कर पा रहा हूँ बटन दबा के। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इसके टेक्स्ट की। अब टेक्स्ट में हम कुछ डिज़ाइन करना हो तो कैसे करेंगे। इस गाइड को अभी हम थोड़ा पीछे कर देते हैं। वैसे गाइड प्रिंट नहीं होता है, अगर गाइड यहाँ पर छूट भी गया बाद में तो प्रिंट नहीं होता है, तो आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसमें कोई टेक्स्ट लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसके लिए अच्छा ये रहेगा कि हम इसके पीछे कोई कलर डाल दें। तो कलर के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं एक हल्का सा ग्रे कलर यूज़ करते हैं, मतलब डार्क के बिल्कुल करीब चले जाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब जब डार्क गए तो हमें ये जो टेक्स्ट है इसको हमें वाइट में तो करना ही पड़ेगा। तो वापस से हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ से पहले टेक्स्ट का नाम लिख देते हैं कुछ, यहाँ पर हम क्या बनाने वाले हैं। तो मैंने नोट्स में लिखा है स्मिता पाटिल कौन थी, हम इसके बारे में ही एक पोस्टर बनाने वाले हैं। तो स्मिता पाटिल जैसे ये एक हेडिंग है तो इसको हम हेडिंग वाले टेक्स्ट में डाल के इसको कलर करते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करें और टेक्स्ट कलर पे क्लिक करके वाइट कर लीजिए। यहीं पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, जिसमें से जो पहला ऑप्शन है वो फॉन्ट का है। अगर आप कोई फॉन्ट इसका बदलना चाहते हैं तो देखिए फॉन्ट यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि देवनागरी यानी हिंदी का जो एक फॉन्ट है पॉपिंस वो बहुत फेमस है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये डिज़ाइन ही इसका बदल जाएगा। और इसमें भी पॉपिंस के भीतर भी चार ऑप्शंस हैं कि आप थिन रखना चाहते हैं, लाइट, रेगुलर, मीडियम, आप क्या रखना चाहते हैं। तो आप इस तरह से भी यहाँ पर चीज़ों को काम में ला सकते हैं और सिंपल यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बोल्ड होता है। लेकिन अगर आप इस फॉन्ट के पास में जाकर अगर इसके सेमी बोल्ड करते हैं तो आपको एक और ऑप्शंस मिलते हैं। तो फिलहाल तो ये होगी टेक्स्ट की बात। टेक्स्ट की साइज़ बढ़ाने के दो तरीके हैं, एक तो आप इसके नंबर से बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, या जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 300 और एंटर दबाया तो ये 300 की साइज़ में हो गया। या फिर आप इसके कॉर्नर से भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखेंगे जैसे ही कॉर्नर से छोटा करेंगे तो ये नंबर घट रहा है, बढ़ रहा है। तो फिलहाल के लिए इसको हम थोड़ा स्पेस दे के थोड़ा छोटा करते हैं कुछ इस तरह से, बाद में भी हम इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद जो है कलर है बोल्ड इटैलिक तो आप समझ ही रहे हैं, अंडरलाइन समझ ही रहे हैं, क्रॉस भी समझ रहे हैं, और ये अपर केस लोअर केस अंग्रेजी वालों में ये काम आएगा। तो वो कैसे काम आएगा, तो अगर आपने कुछ ऐसा वर्ड लिख दिया है, जैसे कि मैं उदाहरण के लिए एक वर्ड यहाँ पर ले लेता हूँ स्मिता पाटिल, इसके वाइट कलर को कर देता हूँ, और अगर हम चाहते हैं कि जो ये वर्ड है ये सब कैप्स में हो जाए तो बार बार हम क्या लिखेंगे, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और जैसे इसे क्लिक करेंगे ये सब कैप्स में हो जाएगा। कितना सुंदर ऑप्शन है ना, जिससे कि आपको एक नए तरह का मतलब कि कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है और यह यहाँ पर हो जाता है। फिलहाल इसको डिलीट करने के लिए इस पर क्लिक कीजिए और ऊपर डिलीट का बटन है, या फिर डिलीट जो कंप्यूटर के आपके कीबोर्ड में है उसको भी दबा सकते हैं तो डिलीट हो जाएगा। यहीं पर है अलाइनमेंट का, अलाइनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो देखेंगे ये टेक्स्ट जो है इस टेक्स्ट बॉक्स में काम कर रहा है। टेक्स्ट पर जैसे जाएंगे देखेंगे इसके चारों तरफ एक बॉक्स है, तो अगर आप इसको अलाइन करना चाहते हैं लेफ्ट के साइड तो इसको लेफ्ट भी कर सकते हैं, सेंटर और राइट भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह की बात हो गई, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको सेंटर्ड साइड में रख के काम में लेते हैं। देख सकते हैं अलाइनमेंट का सेंटर हो गया। यहीं पर एक और जो ऑप्शन आपको दिखा दूँ वो है लिस्ट का। आपने देखा होगा कहीं भी हम कॉपी में भी लिखते हैं या कई डिज़ाइनों में, तो एक लिस्ट भी कैसे काम करती है। तो ये लिस्ट भी है, ये लिस्ट के बारे में भी हम आपको बताएंगे और ये सारी चीज़ें और इफ़ेक्ट्स भी बताएंगे। एनिमेशन वीडियो में काम आता है तो इसको अभी हम रहने देंगे। ये तीन चीज़ें जो यहाँ से रह गई वो मैं आपको अभी अगले टेक्स्ट में बता रहा हूँ। तो फिलहाल इसको हम इसके होराइजन मतलब इसको इटैलिक्स से हटा दिया है हमने, थोड़ा छोटा करते हैं और टेक्स्ट को कुछ इस तरह से रखते हैं यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों ये जो ब्लू कलर का मतलब पर्पल कलर का जो चारों तरफ दिख रहा है ये गाइड, ये बता रहा है कि आप चाहें तो मतलब यहाँ से रख सकते हैं, मतलब जो मार्जिन है उस पर काम कर सकते हैं, या तो मार्जिन से बाहर भी जा सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो मार्जिन से बाहर भी जा सकते हैं, या फिर अगर आप एक मार्जिन हमेशा के लिए यहाँ पर दिखाना चाहते हैं मतलब अपने गाइडेंस के लिए, तो वापस से फाइल में जाके सेटिंग में जाके 100 मार्जिन्स पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये मार्जिन आपको हमेशा के लिए यहाँ पर डिज़ाइन के समय दिखेगा। वैसे ये प्रिंट में नहीं आएगा, बस ये डिज़ाइन में दिखेगा।
फिलहाल के लिए इस मार्जिन को हम यहाँ से सेटिंग में जाकर हटा देते हैं और फिलहाल के लिए ऐसे रहने देते हैं। तो हम इसे लेफ़्ट टू लेफ़्ट करेंगे और फ़ोटो राइट में रखेंगे। तो फिलहाल के लिए इसको क्या करते हैं ना, लेफ़्ट में ही टेक्स्ट को हम अलाइन करते हैं इस बक्से के साथ, इस बॉक्स में। स्मिता पाटिल कौन थी, ठीक है, ये टेक्स्ट। इसके बाद हम इसके नीचे जो है एक सब हेडिंग डालते हैं, इसकी एज डालेंगे और इनका ये कब से कब तक जीवित रही थी वो हम छोटा सा यहाँ पर डालना चाहते हैं। तो कॉपी कर लेते हैं और इसको सब हेडिंग वाले पार्ट में इसको हम पेस्ट कर देते हैं और इसको हम इनके साथ अलाइन कर लेते हैं। इसके बाद क्या है, ये थोड़ा मुझे बोल्ड लग रहा है तो इसको थोड़ा सा हम पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं और इसे बोल्ड से हटा कर थोड़ा छोटा करके यहाँ से कुछ इस तरह से बना लेते हैं। और अगर हम इसके टेक्स्ट की फॉन्ट को बदलना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, थोड़ा अलाइनमेंट में ठीक हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है और इसमें नहीं है तो इसको हम क्लोज कर रहे हैं। इसको हम यहाँ पर टेक्स्ट को ले जाते हैं, कर्सर को ले गए और कर्सर को हम कैसे इसको मूव कर पा रहे हैं, या तो एक तो माउस से करते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर के जो बटन है एरो बटन उससे भी हम इसको इस तरह से कुछ मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको शायद पता होंगी, मुझे लगता है कि मैं बहुत बिगिनर लोगों के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो। तो इस तरह से ये एक तो हो गया स्मिता पाटिल का। अब इनके बारे में हमें टेक्स्ट डालना है तो हम एक और यहाँ से बॉडी टेक्स्ट कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि हम बाद में यहाँ से तो चेंज कर ही सकते हैं। दोस्तों यहीं पर मैं एक और चीज़ आपको जो समझा देना चाहता हूँ, चलिए पहले टेक्स्ट लेते हैं कुछ। यहाँ से हमने एक टेक्स्ट लिया और यहाँ से कॉपी करते हैं। स्मिता पाटिल एक भारतीय फिल्म और थिएटर अभिनेत्री थी जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया, महान माना जाता है। कॉपी किया और इस टेक्स्ट पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और फिलहाल के लिए हम इसके फॉन्ट को भी बदलेंगे, थोड़ा छोटा करते हैं इसे ताकि हमारे इधर फोटो लगाने के लिए जगह मिल जाए। इसका अलाइनमेंट लेफ़्ट कर देते हैं और इसका जो फॉन्ट है उसको हमें बदलना है। तो वापस से हम पॉपिंस पे चले जाएंगे और इसको हम करेंगे थोड़ा छोटा। पॉपिंस में भी इस बार हम सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा सा जो इसकी साइज है रेगुलर से लाइट कर दें, ठीक है। और यहाँ से हम कुछ इस तरह से इसको लिख लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार दिखना शुरू हो चुका है। अभी हमने जबकि कलर भी नहीं डाला है, बस हम क्या क्या कर रहे हैं, हेडिंग को थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं, उसके बाद सब हेडिंग को थोड़ा सा इसकी तुलना में बड़ा रखा है और इटैलिक कर दिया है फिर नीचे। अब एक और टेक्स्ट हमें डालना है जो इन्फॉर्मेशन और है। पाटिल ने अपने अभिनय करियर में 80 से अधिक फिल्मों में गाने, 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, और ठीक है अभी हमने इसे थोड़ा छोटा कर दिया है और इसलिए किया है ताकि यहाँ पर जगह तो थोड़ा कम है। तो अब क्या है कि बार बार मैं यहाँ से कोई टेक्स्ट नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट का साइज यहाँ पर है वही टेक्स्ट साइज मैं नीचे भी लिखना चाहता हूँ। एक तो ऑप्शन है कि इसी में आप यहाँ से एंटर कर दें और इसको लिख दें, तो ये भी एक ऑप्शन है जो कि बुरा नहीं है। लेकिन मैं आपको नई चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, कंट्रोल जेड करके मैंने सीखा, नई चीज़ें मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि अगर आप यही टेक्स्ट को नीचे कर देंगे, कैसे करेंगे, कॉपी करके डुप्लीकेट कर देंगे, तो एक डुप्लीकेट इसका नीचे ला के वापस से इसमें आप नई चीज़ें लिख सकते हैं। एक तरीका ये भी है। फिलहाल के लिए आपको जो ठीक लगे आप वो कर लीजिए। तो कुछ इस तरह से मैंने स्मिता पाटिल के बारे में एक पोस्टर यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया। अब इसमें एक थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि कुछ कलर्स हों और कुछ, मतलब एक होता है कि कलर्स देने के बाद थोड़ा जान आ जाता है क्योंकि ब्लैक ब्लैक हो गया है और यहाँ पे वाइट। तो सबसे पहले हम इनके कुछ फ़ोटोज़ लगाते हैं, फ़ोटोज़ लगाने के बाद जो है दिखने में एक सुंदर लगने लगेगा। तो फिलहाल के लिए इनके फ़ोटोज़ मैंने डाउनलोड करके रखे हैं और दिखाता हूँ मैं फ़ोटोज़ आपको। तो जैसे कि ये फ़ोटोज़ है स्मिता पाटिल का, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर आए। तो अभी के लिए अगर इस फ़ोटो को मैं यहाँ पर लाता हूँ, जैसे कि यहाँ अपलोड में जाएंगे और अपलोड फाइल, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ़ोटो डालने के लिए पहले अपलोड करना होगा, तो यहाँ से अपने फाइल में जाके इस फ़ोटो को मैंने अपलोड किया। अभी अगर मैं इस फ़ोटो को ऐसे लाता हूँ तो बड़ा ही अजीब लग रहा है, एक मतलब कह सकते हैं कि इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम यहीं पर इस फ़ोटो के जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर देंगे तो कितना सुंदर दिखने लगेगा और इसके पीछे फिर हम कुछ भी लगा सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, अगर आपके पास में कैनवा का प्रो वर्जन होता तो ज़रूर कर लेते, लेकिन नहीं भी है तो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्रो वर्जन होता तो क्या करते, इस पर क्लिक करते, एडिट इमेज में जाते और यहाँ से बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक करके हम रिमूव कर सकते, लेकिन हमारे पास प्रो नहीं है तो फिलहाल हमारे पास क्या ऑप्शंस है। डिलीट करते हैं पहले इस फ़ोटो को और हम चलते हैं गूगल पे, गूगल को बोलते हैं
बीजी रिमूवर यानी बैकग्राउंड रिमूवर हमें बताओ कौन कौन सी वेबसाइट है। बहुत सारी वेबसाइट है लेकिन हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो है फ़ोटो रूम, क्योंकि फ़ोटो रूम एक फ्री वेबसाइट है और हमें एक अच्छी साइज़ में भी फ़ोटो को देता है। आप देख लीजिएगा photoroom.com। सेलेक्ट फ़ोटो करते हैं और जैसे ही ये फ़ोटो आएगा थोड़ी देर तक ये सर्च करेगा कि बैकग्राउंड में क्या क्या है और ये इंस्टेंट में रिमूव कर देगा। देख सकते हैं पहले फ़ोटो कैसी थी और अब कैसे, बिफ़ोर आफ्टर, पता भी नहीं चल रहा है। अब क्या करेंगे, सिंपल इसे डाउनलोड कर लेंगे स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन में और ये फ़ोटो हमारे पास में डाउनलोड हो गई कुछ इस तरह से। अब क्या है, इस फ़ोटो को हम यहाँ पर अपने इस विंडो में लाएंगे वापस डाउनलोड में, या तो यहाँ से आप अपलोड कर लीजिए या फिर सिंपल अपनी फ़ाइल में जाइए और ये PNG फ़ोटो को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। तो अब आप देख सकते हैं पहले इसके पीछे एक बैकग्राउंड था, अब मैंने इसको PNG में कन्वर्ट कर लिया है एक वेबसाइट के मदद से। और जैसे इसको क्लिक करेंगे अब देखिए अब आपको ये कैसा दिख रहा है, अब इसके पीछे आपको कोई भी तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या है, हमारे पास में बहुत सारी ऑप्शंस खुल गए हैं इसको डिज़ाइन करने के। पहले इसके हम जो साइड में जो कुछ एक्स्ट्रा पिक्सल्स हैं उसको हम डिलीट कर रहे हैं ताकि और हमारे लिए आसान हो। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो नीचे जो है एक कट लग गया है, बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको भी ठीक करना होगा। इसके पीछे हम कोई कलर देना चाहते हैं, मतलब ग्राफिक्स का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अभी तक हमने टेक्स्ट का यूज़ किया लेकिन अभी हम एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे ग्राफिक्स का। तो चलिए सबसे पहले हम चाहते हैं कि इसके पीछे जो है ब्लू कलर का कुछ, एक गोल कलर का कुछ लगाना चाहते हैं। फिलहाल इसको हम साइड में रखते हैं। यहीं पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट अभी ऊपर है, जैसे ही फ़ोटो है फ़ोटो टेक्स्ट के नीचे जा रहा है, तो ये लेयर की तरह भी काम कर रहा है। तो ये क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इसको हम थोड़ा साइड करते हैं और यहाँ पर हम एक राउंड सर्कल डालते हैं, तो ये सर्कल आ गया। जैसे ही मैंने सर्कल पर क्लिक किया, इस सर्कल को उठा के हम कुछ इस जगह पर रखते हैं और इसके कलर को मैं ब्लू कलर में रखता हूँ, थोड़ा डार्क ब्लू। वहीं पर अगर आप देखेंगे इस शेप के और भी कई ऑप्शंस हैं, जैसे कि शेप पे ही क्लिक करेंगे तो आप इस शेप को बदल सकते हैं किसी और शेप में कुछ इस तरह से, लेकिन फ़िलहाल मुझे राउंड चाहिए। और यहीं पर एक और ऑप्शन है, अगर इस शेप में अगर आप कोई बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप बॉर्डर भी दे सकते हैं। बॉर्डर क्या है, तो ये बॉर्डर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का एक बॉर्डर उस पर लगना शुरू हो गया है। कॉर्नर ये ऑलरेडी राउंड है तो इसमें राउंड तो नहीं होगा, लेकिन ये अगर कोई रेक्टेंगुलर यूज़ करते तो ये काम करता है। यहीं पे और भी सारी चीज़ें हैं जो कि बाद में कभी आप मतलब फुर्सत में देख लीजिएगा। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं बॉर्डर के कलर को, बॉर्डर के कलर को चेंज करने के लिए यहाँ पे बॉर्डर कलर को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल बॉर्डर हमें नहीं चाहिए तो वापस ज़ीरो कर देते हैं। अब क्या है कि इसके मैं चाहता हूँ इनके फ़ोटो के पीछे ये आ जाए, तो अभी आप देखेंगे क्या हुआ कि फ़ोटो के पीछे मैं चाहता हूँ ये आ जाए, लेकिन अभी क्या हो रहा है ये फ़ोटो के ऊपर आ रहा है। तो अब यहाँ से हमारा काम होता है कि हम इसके लेयर्स को ओपन करें। बहुत ही आसान है, डरना नहीं है मतलब, ठीक है। तो वापस जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जिस किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आपको पोजीशन यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। ऊपर पे पोजीशन पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पर आपको अरेंज और लेयर दिखेगा। अरेंज के बारे में बताएंगे आपको, लेकिन पहले लेयर्स को समझ लीजिए। तो जैसे ही लेयर्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके इस पूरे पेज पे क्या क्या चीज़ें हैं वो सब कुछ दिखा रहा है, और जैसे जैसे जो चीज़ें जहाँ दिख रही है वहीं पर ये, अगर कोई चीज़ें नीचे है जैसे कि बैकग्राउंड नीचे है तो यानी कि आपका ये बैकग्राउंड सबसे नीचे है। फ़ोटो अगर इस कह रहा है बैकग्राउंड के जस्ट ऊपर फ़ोटो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़ोटो, इस फ़ोटो के ऊपर ये सारी चीज़ें हैं। अभी तो ये साइड में है तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर ये लेकर आए तो देख सकते हैं नीचे। तो यहाँ से इसको उठा के जैसे ही आप नीचे करेंगे, मैंने माउस दबाया और नीचे किया तो ये नीचे चली गई। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके लेयर को भी यूज कर सकते हैं। अब क्या है कि इसको हम चाहते हैं थोड़ा बड़ा कर लें, ठीक है, ये हमने इसको कर लिया थोड़ा सा बड़ा और यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, पहले इसको थोड़ा सा ठीक कर लें डिज़ाइन के प्रस्पेक्टिव से। तो आप देख सकते हैं मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पर इतना ठीक है, लेकिन अभी भी देखेंगे तो वैसे जो ये पेपर की जो मैंने साइज ली है इसकी वजह से अगर मैं कोई ऐसा साइज लेता तो नीचे मुझे इतना स्पेस नहीं मिलता, ना ही ऊपर इतना स्पेस मिलता, या फिर मुझे और लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, नीचे एक बॉर्डर डाल देता हूँ। बॉर्डर मतलब कि एक शेप डाल देता हूँ इस तरह का। अगर आप इसे कॉर्नर से खींचते हैं तो कई बार क्या होता है ना कि इसे शेप चेंज होते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर शिफ्ट बटन दबा देंगे तो ये सिंपल जो है
एक ही बार में सिर्फ कॉर्नर से क्लिक होगा, कॉर्नर से ही बड़ा होगा, और अगर आपने अल्ट दबा दिया तो चारों तरफ से बड़ा होगा। शिफ्ट और अल्ट अभी दोनों मैंने दबाया हुआ है, ये बेसिक जानकारी है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अभी क्या है, मुझे ये पूरे इसके नीचे वाले बोर्ड पर चाहिए, तो मैं इसको इस कॉर्नर से खींच कर इस कॉर्नर पर कुछ इस तरह से कर रहा हूँ। अभी क्या करना है, मुझे इसको थोड़ा छोटा करना है, सिंपल यहीं तक कट करना है मुझे, तो कुछ इस तरह से मैंने इसको कट किया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये जो कलर है कुछ ज़्यादा ही ब्लू ब्लू सा हो गया है मेरा, इसको थोड़ा हम डार्क की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि एक नीचे डार्क कलर, ऊपर स्मिता पाटिल की फ़ोटो, और इसके फ़ोटोज़ के पीछे जो है आपको दिखेंगे एक ब्लू कलर का होलो। अब ऊपर भी स्पेस बच गया है, और ये जो ग्रे कलर है इसको भी हम थोड़ा सा और ग्रे की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि नहीं तो सेपरेशन कम हो रहा है, या फिर कुछ तो ऐसा करते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल डिज़ाइन के लिए, आपको सिखाने के लिए, आप अपने हिसाब से बाद में डिज़ाइन और भी कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया कि अभी मेरे लिए ये स्मिता पाटिल की फ़ोटो और जो ये पीछे राउंड कलर का शेप डाला है, अगर मैं चाहूँ तो इस दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर लूँ, माउस से सेलेक्ट करके दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके मैं मूव कर सकता हूँ दोनों को एक साथ, ताकि जहाँ भी मैं फ़ोटोज़ लेकर जाऊँ वहाँ पर ये ऑलरेडी ये भी जो शेप है वो भी जाए। यहीं पर दोनों को सेलेक्ट करके आप ग्रुप भी कर सकते हैं। ग्रुप करने से क्या होगा कि अगर आपने किसी एक को सेलेक्ट किया तब अपने आप दोनों सेलेक्ट होंगे, और आप इसको मूव करेंगे तो कहीं भी जाएंगे। फिलहाल के लिए कंट्रोल जेड कर रहा हूँ ताकि वापस ये अपने जगह पर आ जाए। अब क्या है कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मतलब डिज़ाइन के एस्पेक्ट से कि ऊपर बहुत जगह खाली रह गई है, तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। यहीं पर टेक्स्ट के कलर को चेंज करना भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। जैसे ही टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कलर को आप कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर येलो कलर रख रहा हूँ, और ये जो कलर है ठीक है, इतना मुझे लग रहा है कि काफ़ी है। येलो ब्लू ब्लैक कुछ ज़्यादा ही कलरफुल हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। अभी हम एक पोस्टर जैसा कुछ बना रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरा पोस्टर है, अगर मैं अपने सोशल मीडिया के डाल रहा हूँ कुछ, तो यहाँ पर कोई मेरा एक ब्रांड आ जाए, या फिर कुछ थोड़ा सा ग्राफिक्स डिज़ाइंस वगैरह आ जाए, क्योंकि जो बैकग्राउंड है बहुत ही सिंपल दिख रहा है अभी। चाहे तो हम बाद में भी कलर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल एलिमेंट्स में जाते हैं और कुछ भी हम ऐसा सर्च करते हैं, जो भी मुझे लगेगा वो मैं करता हूँ। तो सिंपल स्टिकर पर भी जा सकते हैं, यहाँ से सर्च करते हैं कुछ ओल्ड डिज़ाइन। जैसे ही ओल्ड डिज़ाइन पे जाते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाता है। हम ग्राफिक्स में जाते हैं, और ग्राफिक्स में जाने पर अभी देखेंगे तो बहुत सारे प्रीमियम फीचर में ये चला गया है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए कॉर्नर लिखते हैं, कोई भी फ्री वाला दिखेगा तो मैं उसे क्लिक करूँगा। जैसे ये फ्री वाला दिख रहा है मुझे, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, और ये भी फ्री है। तो आपको समझाने के लिए सिंपल, ये मैं कॉर्नर इसका यहाँ पर मैं ले लिया मैंने। अब इसके जो है, सबसे पहले तो कलर को चेंज करते हैं ताकि यहाँ पर दिखने लगे, वाइट ले लेता हूँ या फिर येलो ले लेते हैं। अब क्या है कि ये इसको हम यहाँ पर ऐसे इस तरह से प्लेस कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और इसी की एक कॉपी भी बना सकते हैं। जस्ट इसको क्लिक किया और डुप्लीकेट एक और कॉपी बनी, और इसको हम यहाँ पर देंगे। बस इसका ओरिएंटेशन हमें चेंज करना है, यहाँ पर क्लिक किया और फ्लिप करके इसको हॉरिजॉन्टल कर लेंगे कुछ इस तरह से। आप इसको किसी भी तरह से फ्लिप कर सकते हैं, ताकि जब नीचे जाएंगे तो वहाँ भी हमको फ्लिप तो करना ही है। और ये हो गया, इसी को हम नीचे लेकर आते हैं, डुप्लीकेट करेंगे यहाँ से और नीचे लेकर आए और वापस से फ्लिप कुछ इस तरह से। मतलब बस मैं दिखा रहा हूँ कि कर, अब देखिए यहाँ से डुप्लीकेट करके कॉपी कर सकते हैं। एक और ऑप्शन होता है, अल्ट दबा के आप इसको खींच के इधर लेके आ सकते हैं, तो एक और बन जाएगा अपने आप, फ्लिप किया हॉरिजॉन्टल। तो वैसे तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको सिखाने के लिए कि ये ग्राफिक्स कैसे काम कर रहा है। अब देखिए इस चारों को मैं अगर एक ग्रुप में कर देता हूँ, सेलेक्ट किया और ये भी सेलेक्ट किया, चारों को मैंने सेलेक्ट कैसे किया, पहला इसको क्लिक किया, फिर शिफ्ट दबाया, इसको क्लिक किया, फिर शिफ्ट अभी दबाया हुआ हूँ मैं, और इसको मैं क्लिक किया, फिर शिफ्ट दबा के इसको क्लिक किया, ये चारों सेलेक्ट हुए और चारों को मैं एक ग्रुप में कर लेता हूँ। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको कुछ भी करूँगा, मतलब कॉर्नर से भी, तो ये अपने आप छोटा बड़ा हो जाएगा। फिलहाल के लिए अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और सबको इंडिविजुअल करके इसको थोड़ा और छोटा करना होगा। अगर हम इसे लगाना ही चाहते हैं तो थोड़ा छोटा करना होगा, और अगर मैंने छोटा किया तो सबको वापस इसी साइज में करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे अगर साइज़ को छोटा करेंगे तो शायद हम इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नंबर्स यहाँ पर आते हैं और वो नंबर्स हमें वैल्यू डालने पड़ेंगे। तो वापस इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से पोजीशन में अगर आप जाएंगे अरेंज में,
426 है, राउंड फिगर डालते हैं इसका 426, और अपने आप हाइट चेंज हो जाएगा 426 बाय 426, क्योंकि ये 1 बाय 1 साइज है। इसको भी क्लिक करेंगे, अब देखिए 426 अपने आप उस साइज़ में आ गया। इसको भी कर देते हैं 426, इसको भी कर देते हैं 426। तो अब देखेंगे तो ये सारे जो है एक साइज़ के हैं, तो इसको हम अपने हिसाब से, अब क्या है कि अब देखिए अगर एक यहाँ रहेगा एक यहाँ रहेगा तो डिज़ाइन में अच्छा नहीं लग रहा है, जिस दोनों को अलाइन करना होगा। तो कैसे कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के हम इसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं। जब दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे तो हम पोजीशन में जाके यहाँ पर अलाइनमेंट में जाके इसको हम अलाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी ये दोनों अलाइन है, लेकिन अगर आप इसको इधर रखेंगे कहीं, अब देखिए अलाइन कैसे, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट किया, पोजीशन में गए, और जैसे ही लेफ़्ट अलाइन करेंगे तो देखिएगा ये जो उठ के है यहाँ आ जाएगा, देखा अपने आप ये आ गया कुछ इस ऊपर, अभी अलाइनमेंट में नहीं है, अब देखिए अब हो गया। तो ये कुछ इस तरह से भी काम करना शुरू करता है। तो ये तो बात हो गई कि कोई ग्राफिक्स अगर लगाना हो तो कैसे लगा सकते हैं। फिलहाल फिर नीचे वाला ग्राफिक्स हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ऊपर वाला रहने देते हैं, और इसके थोड़े से ओपेसिटी को कम करते हैं। ओपेसिटी क्या है, जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ऊपर एक ऑप्शन आता है ट्रांसपेरेंसी का, यानी अभी ये बहुत ही येलो येलो दिख रहा है, मतलब फुल कलर में, इसके कलर को थोड़ा कम कर देते हैं। 23 किया है तो इसको भी हमें 23 करना पड़ेगा। तो अब आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये कलर कम हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही कम हो गया है। तो इसको वापस से हम जाके 56 करते हैं, और इसको भी हम 56 करते हैं। तो ये तो हो गई छोटी सी डिज़ाइन की बात। अब हम चाहते हैं कि नहीं यार, फ़ोटो जो है वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब कलरफुल, मतलब ब्लैक एंड वाइट भी है लेकिन लाइट नहीं है इसमें। तो सिंपल फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जिसको आप चाहें तो यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन सिंपल एडजस्टमेंट में जाएंगे तो एक तो ऑटो एडजस्टमेंट है कि अपने आप फ़ोटो को, ये जो भी इसको ठीक लगा उसने आप ब्राइट कर दिया, लेकिन हम चाहते नहीं हम अपने मन से करेंगे। तो पहले रीसेट कर लीजिए जो भी इसने ऑटोमेटिक किया, और वापस से यहाँ से कलर को आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कंट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं, हाईलाइट को भी देख सकते हैं, और शैडो वगैरह जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगे उसको आप बढ़ा घटा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसके कलर को 0 कर रहा हूँ ताकि मुझे ये ब्लैक एंड वाइट पिच ब्लैक एंड वाइट में आ जाए, और शार्पनेस वगैरह भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन शार्पनेस थोड़ा मैं कम रखता हूँ क्लैरिटी को, और ये विनियट को भी मत छेड़िए, विनियट यहाँ पर किसी काम का नहीं है। तो अब देखेंगे तो कुछ इस तरह से मुझे ये फ़ोटो दिख रहा है, अगर चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से बड़ा कर रहे हैं तो हमें इस बॉक्स को भी थोड़ा सा बड़ा करना होगा। अब देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है, जो कि मतलब एक अच्छा खासा डिज़ाइन हुआ है। अब इसको हम सोशल मीडिया पे भी अपलोड कर सकते हैं, और अपने प्रिंट भी कर सकते हैं। फिलहाल प्रिंट के लिए ये A4 साइज परफेक्ट है, लेकिन सोशल मीडिया में हो सकता है कि कोई पार्ट यहाँ से ऊपर से क्रॉप हो जाए या फिर नीचे से क्रॉप हो जाए। अब जैसे कि आपको कुछ और चीज़ें मैं यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरे सोशल मीडिया पे जैसे अपलोड होगा तो मेरे सोशल मीडिया का लिंक जो है, मतलब देखा होगा आपने कई जगह पे, वो यहाँ पर दिखे। जैसा कि मैंने आपको एक पोस्टर में भी दिखाया था, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था कहीं, तो देखा था इसमें, देखा था यहाँ पर, जैसे कि ये फेसबुक इंस्टाग्राम आदर्श आनंद लिखा हुआ था। तो अगर हम वो चीज़ यहाँ पे लाना चाहते हैं तो कैसे आएगा, वापस इसी एलिमेंट्स में जाएंगे और हम सर्च करेंगे फेसबुक, ताकि फेसबुक का हमें लोगो मिल जाए। जैसे ही सर्च करेंगे तो ग्राफिक्स में जाना है, और वापस से यहाँ से फेसबुक का लोगो हमें ले लेना है। इस तरह से फेसबुक का लोगो हम यहाँ पर छोटा करके, अब ज़्यादा छोटा हो रहा है तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे, बड़ा करके यहाँ से इसको इधर आ जाएंगे, फेसबुक का लोगो ले लिया। अब क्या है, बार बार अगर आप फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो ये भी क्लिक करके हट सकता है। इसको क्या करेंगे, इस यहाँ पर हम इसको लॉक कर देंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो एक लॉक कर देंगे। तो अब हम इसको नहीं हटा सकते, सिर्फ यही हटा सकते हैं, तो कितना सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्लिक किया, इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि यार ये फेसबुक बहुत ही सूखा सूखा लग रहा है, इसके पीछे कुछ मतलब बैकग्राउंड डाल दूँ, तो वो भी आप यहाँ से ग्राफिक्स में जाकर एक कोई सा भी राउंड लेना चाहते हैं तो राउंड ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल राउंड ही ले लेते हैं, और यहाँ से राउंड वाला जैसे ही लिया तो ऑलरेडी इसने कलर जो पिक किया था हमारे लिए उस टाइम। अब देखिए इसको यहाँ से नीचे लाना बड़ा मुश्किल काम है, तो मैं शिफ्ट दबाकर एरो की मदद से इसको मैं नीचे ला रहा हूँ। इसके बाद जब ये बाहर एक बार टेक्स्ट से आ जाए तो फिर हम इसको आराम से छोटा बड़ा कर सकते हैं।
अभी के लिए ये ऊपर आ रहा है, तो आपको पता है ऊपर आ रहा है तो क्या करना है, सेलेक्ट किया, पोजीशन में गए और यहाँ से लेयर्स में गए और इसको खाली फेसबुक के ऊपर, फेसबुक के नीचे उसको रख देना है। अब देखिए आप समझ सकते हैं कि मैंने इस पर क्या किया। अब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि नहीं ये जो कलर आ रहा है ब्लू, इसको येलो करना है, तो येलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, येलो कर लेंगे और इसको थोड़ा सा इधर करके कर लेंगे। अब हम चाहते हैं कि ये जो दोनों है इसको हम एक साथ ग्रुप कर लें, ताकि जब भी कभी मूव करें तो ये डब्बा समेत मूव हो, ठीक है, छोटा भी करें तो डब्बा समेत मूव हो। और अब यहाँ पर फेसबुक डाल दिया, तो अब हमें टेक्स्ट भी डालना होगा, टेक्स्ट में जाएंगे, एक टेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर और इसको, इस बार मैंने क्या किया है, टेक्स्ट को देखा होगा आपने उठा के ऐसे लाया, आप भी ला सकते हैं, कई ऑप्शन है मैंने जैसा कि बताया, तो टेक्स्ट को ये ब्लैक में ब्लैक मिल जाएगा, तो यहीं पर हम चेंज कर लेते हैं, स्लैश एट द रेट कुछ भी डाल देते हैं, सनी राना फोटोज़ वाइट कर लेंगे। अब मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि आपको ऑलरेडी समझ में आ गया, बोल्ड से इसको हटा के फॉन्ट को भी चेंज कर लेते हैं, जो भी हम फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, कॉर्नर से इसको बड़ा कर लेते हैं और कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से। फिलहाल मुझे लग रहा है कि नहीं येलो कलर यहाँ पर नहीं फिट आएगा, तो वापस कलर पे गए और ब्लू कलर कर लिए, या वाइट कर लेंगे तो हमें फिर इसका जो ये फेसबुक वाला लोगो है उसको हमें ब्लैक करना होगा, तो वो कैसे करेंगे, चलिए पहले ब्लैक इसी को कर लेते हैं, कलर पे गए ब्लैक और वाइट, ये जो ब्लू है इसको हम वाइट कर लेते हैं, तो ये हो गया कुछ इस तरह का। अब देखिए डिज़ाइन सही लग रहा है, अगर ये सही लग रहा है तो ठीक है, अब क्या है कि दूसरा भी हम ले सकते हैं इसी तरह से, ट्विटर या फिर जो भी चीज़ें आपको पसंद हो। एलिमेंट्स में गए, इसको वापस जाते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम करते हैं, इंस्टाग्राम लोगो, तो वापस से ग्राफिक्स में जाना है आपको और जो भी इंस्टाग्राम का फ्री लोगो यहाँ पे अवेलेबल होगा उसको लेंगे हम यहाँ पे। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे फ्री में लोगो नहीं है अवेलेबल, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, लेकिन जो रियल लोगो है वो नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमको यहीं से लेना है, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम सर्च करते हैं गूगल पे इंस्टाग्राम लोगो और इमेज में जाएंगे और यहाँ से देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये जो था ये शेप में था, इसके हम कलर को चेंज कर सके, लेकिन अगर हम यहाँ से कुछ डाउनलोड करेंगे तो वो एक फ़ोटो फाइल में होगी, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, मतलब कलर को चेंज नहीं कर सकेंगे, साइज़ तो चेंज कर देंगे, कलर को चेंज नहीं कर पाएंगे। फ़िलहाल इसको हम डाउनलोड कर रहे हैं ओपन में, ये PNG में भी है, और देखिए बार बार इसको यहाँ से हम डाउनलोड करके फाइल में गए और फिर फाइल से यहाँ पे लाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो इसको सिंपल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप उठा के यहाँ पर ले आइए और यहाँ छोड़ दीजिए, तब भी ये यहाँ पर आ जाएगा, बार बार इसको फाइल टू फाइल ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पूरा अपलोड हो जाए तो इसको हम यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, और जैसे ही लाएंगे तो आप देख सकते हैं कि एक तो बहुत बड़े साइज़ में आया है और दूसरी और चीज़ क्या हुई है कि ये पूरी तरह से कलर में है। तो अभी के लिए हम इसको कलर, मतलब ऑलरेडी हमने यहाँ पे वाइट यूज़ किया है, तो इसको कलर कैसे करेंगे, मतलब वाइट में कैसे लाएंगे, तो शायद हम उसको भी नहीं ला पाएंगे, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, क्लिक किया इस पर, एडिट में गए और एडजस्टमेंट में जाके देखते हैं कि अगर हम इसको ब्लैक एंड वाइट कैसे कर सकते हैं, फिल्टर्स में आ गए और नीचे ब्लैक एंड वाइट के कुछ ऑप्शंस होंगे, तो देखते हैं कैसा दिखता है, तो ब्लैक एंड वाइट में, अच्छा एक बार लोड होने देते हैं पूरा, तो देखते हैं कुछ इस तरह से आ रहा है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो फ़िलहाल के लिए हम इसको नहीं यूज करेंगे, कुछ दूसरा देखते हैं ऑप्शन, इंस्टाग्राम लोगो, अगर आपने SVG फाइल ले आया तब तो मज़ा ही आ जाए, तब आप चेंज कर सकते हैं, SVG मतलब ये एक एडवांस लेवल है, तो मतलब चलिए मतलब सीख लीजिए आप SVG क्या होता है। SVG फाइल एक ऐसी फाइल है जिस जो कि ग्राफिकल फॉर्म में होती है, जैसे कि यहाँ से मैं अगर इंस्टाग्राम का लोगो को डाउनलोड करता हूँ, जैसे कि ये प्रॉपर लोगो नहीं है बट लोगो तो हाँ ये रही लोगो इंस्टाग्राम की, इस लोगो को हम SVG वेक्टर में डाउनलोड करते हैं, इसको हमें SVG में डाउनलोड करते हैं, इसके बाद हम इसके कलर को चेंज कर सकेंगे, डाउनलोड कर लिया है हमने, अब यहाँ पर अपलोड करते हैं SVG फाइल, ये है SVG फाइल, जैसे हमने इस बार किया ये SVG फाइल है, अगर आप देखेंगे तो इस फाइल का जो इन्फो में अगर आप देखेंगे तो डॉट लास्ट में डॉट SVG है, वैसे PNG ज़्यादातर देखा होगा या JPG, तो
अब क्या है, अब अगर हम इसे इम्पोर्ट कराते हैं तो ये एक ग्राफिकल फॉर्म में है, तब हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं वाइट में। ये एक नई चीज़ है जो थोड़ी एडवांस है और अच्छी बात है कि आप इसको मतलब अभी से ही जाने। अभी क्या इसके पीछे मुझे एक वाइट लगाना है तो इसी साइज़ का, तो ऐसा क्यों ना कर लें हम इसी को कॉपी करके वहाँ ले आएँ। कॉपी करने के लिए सिंपल इसको क्लिक किया और अनग्रुप कह रहा है, बट हम इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं फेसबुक समेत, अल्ट दबा के खींच लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अनग्रुप करके इस बार फेसबुक को ही डिलीट करेंगे और इसको लाएंगे। इसको हमें ब्लैक करना होगा, सबसे पहला काम ब्लैक किया और यहाँ पर ले आए। SVG फाइल के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप कमेंट कीजिए, SVG फाइल क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। वापस से इस दोनों को सेलेक्ट करेंगे और ग्रुप कर लेंगे। वापस मेरा इंस्टाग्राम हैंडल सेम है, तो या तो हम इसको सिंपल यहाँ पर इस तरह से ले आए, अल्ट दबा के मैंने खींचा है तो आप घबरा मत जाइएगा कि आखिर किया गया मैंने। अब कुछ इस तरह से, अब मैं चाहता हूँ कि यार दोनों जब एक ही है तो क्यों ही बार बार लिखना, तो टेक्स्ट को ही थोड़ा इधर कर दो और एक मिनट ना, टेक्स्ट को ही कर दो और इसको ऐसे कर दो, दोनों को साथ में, यानी कि मतलब एक डिज़ाइन का जो एक सेंस है ना वो ये भी है कि आपको बार बार टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हैं, बड़ा करके देखते हैं कैसा लग रहा है। ठीक तो नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है तो वापस चले जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए ये तीनों अलाइनमेंट में है कि नहीं, ये कैसे हमें पता चलेगा, तो सिंपल तो एक तो दिख रहा है कि नहीं अलाइनमेंट में, तो वापस क्या करेंगे, तीनों को एक बार सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कैसे करना है, यहाँ से माउस उठाए और ऐसे खींच के इस तीनों पर ले आए, तो तीनों सेलेक्ट, पोजीशन में जाना है, अरेंज और सेंटर मिडिल, जैसे ही करेंगे देखिए तीनों मिडिल में हो जाएगा, देख सकते हैं तीनों मिडिल। अब तीनों सेलेक्टेड है, इसको जहाँ ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। तो ये हो गई मिडिल की बात। अब है कि मुझे लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर अपनी वेबसाइट भी डालनी है, इसी टेक्स्ट साइज में डालना है, तो सिंपल इसी का हम एक कॉपी बनाएंगे, अल्ट दबाया खींच लिया और इसके बीच में अब लिखेंगे www.sunnyrana.in। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से, यहाँ पर भी कोई लोगो डालना चाहते हैं वेबसाइट का तो वापस एलिमेंट्स में जाना है और वेब लोगो, ग्राफिक्स में गए तो वेब का भी बहुत लोगो है, जैसे कि ये लोगो भी है, ये भी है, कोई भी जो भी पसंद हो वो ले सकते हैं, मैं ये वाला ले लेता हूँ। और ये ग्राफिकल फॉर्म में है जिसके कलर को हम चेंज भी कर सकते हैं, फिलहाल इसको ब्लैक रहने देते हैं क्योंकि इसके पीछे हमें वाइट तो लगाना ही है। इसको हटाता हूँ मैं ताकि जो है ना थोड़ा सा जगह बन जाए, और इसको थोड़ा सा छोटा किया मैंने, ठीक है, यहाँ से साइज़ कम करके, या फिर इधर आके हम इसके एक कोई भी कॉपी करके ले आ रहे हैं और अनग्रुप करके इंस्टाग्राम को डिलीट कर रहा हूँ, और इसके भीतर जो है हम लेकर आएंगे इस वेब वाले आइकन को। और अब देखिए कई बार क्या होता है कि ये बीच में नहीं है कि है पता नहीं, तो सिर्फ इस दोनों को सेलेक्ट कीजिए, पोजीशन में जाइए, अरेंज में जाइए, मिडिल और सेंटर, एकदम सेंटर में आ गया, सेलेक्ट करके ग्रुप कर लीजिए। अब क्या है कि हमारे पास में एक और इसका वेब का फॉर्म बन गया, तो अब इस तरह से हम इसको यहाँ पर ऐसे यूज कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि एक डिसेंट सा पोस्टर बन के आपके पास तैयार है, जिसको कि आप अपने सोशल मीडिया पर या फिर प्रिंट करना हो तो प्रिंट करके इसको आप मतलब यूज कर सकते हैं जो भी चाहें। तो यहाँ पर आपने इतनी सारी चीज़ें सीखी कि ये सब चीज़ें यहाँ पर कैसे आप ला सकते हैं। अब देखिए कैनवा पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स में ही सैकड़ों चीज़ें हैं, जैसे कि CURV लिखते हैं, कर्व लाइंस, तो यहाँ पर हम बहुत सारे कर्व्स लाइन को भी यूज कर सकते हैं। फ्री वाला हमें यूज करना है तो इसको क्लिक करते हैं, और अब डिज़ाइन अपने हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको क्या यूज़ करना है। वैसे लाइंस यहाँ पर शायद अच्छे नहीं लगेंगे तो कुछ और कोशिश करते हैं, स्टार्स, तो आप देखिए ये स्टार्स हो गए कुछ इस तरह के, कि मतलब मुझे लग मैंने सोचा कि नहीं मुझे एक यहाँ पर कुछ कुछ स्पेस जगह खाली है, स्टार्स डाले। और अगर ये स्टार्स ग्राफिकल में है तो इसको थोड़ा सा पहले सेलेक्ट करके यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, ब्लू ले लिया, यहाँ से येलो ले लिया, या फिर वापस से वाइट ही मुझे लग रहा है कि ठीक था, और इसको भी वाइट कर देते हैं कॉर्नर को, और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको थोड़ा कम कर देते हैं, और थोड़ा सा साइज भी मुझे लगता है ऐसा कम कर दें, मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो कहीं भी आप इसको कॉपी, मैं एक्स्ट्रा कॉपी इसकी बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार हो, अल्ट दबा के मैं ये सब कर पा रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से।
अभी फिलहाल देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है या फिर लग रहा है, आप बताइए। ये समझाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ बस, कि आप क्या क्या चीज़ें इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। तो कुछ ये मैंने इसमें डाल दिया, तो अब आप देखेंगे कि कुछ एक अलग तरह का आपको लुक दे रहा है। स्मिता पाटिल कौन थी, उसका जन्म डेट, मृत्यु डेट टेक्स्ट में लिखा है। अब देखिए, इस टेक्स्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं कलर से यहाँ पर चाहें तो, बट मत कीजिए, वाइट में ये बेस्ट लग रहा है। अब देखिए, यहाँ पर ये हमारा पोस्टर बनके तैयार है। यहाँ पर आप इसको अब डाउनलोड कर सकते हैं या फिर चाहें तो चेंजेस भी बहुत सारे कर सकते हैं, ऑब्वियसली है चेंज कर सकते हैं। यहीं पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते नहीं जो ब्लैक कलर है पीछे इसको चेंज करना है, तो बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, कलर को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जो भी आपको कलर पसंद हो। वही है कि अगर आपने एक बार कलर चेंज किया तो आपको उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। तो फिलहाल के लिए कलर को चेंज करना शायद एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके पीछे कोई बैकग्राउंड डालना, चाहते हैं कि नहीं ये ब्लैक, ये जो कलर है इसकी जगह पे कोई बैकग्राउंड हो, तो वो कैसे डालेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर फ़ोटो काम आएगा, जो हमने शुरुआत में यहाँ पर लाया था। जैसे ही फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड सर्च करना है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है। तो बैकग्राउंड जैसे ही सर्च करेंगे आपको बहुत सारे बैकग्राउंड यहाँ पर दिखाएंगे, जिसमें प्रो है उसको क्लिक मत कीजिएगा, सिंपल एक पेपर वाला बैकग्राउंड लेते हैं और इसको यहाँ पर हम लेकर आते हैं। फ़ोटो आ गया, थोड़ी देर लोड होगा और जैसे ही आया तो ये अभी आपको पता है कि बहुत ही अलग तरीके से दिख रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो फिलहाल पोजीशन में जाके इसको पीछे कर सकते हैं, लेयर्स से सबसे पीछे कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे हमें बैकग्राउंड में रखना है तो सिंपल फ़ोटो पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, रिप्लेस बैकग्राउंड कर देंगे, करते ही ये रिप्लेस हो जाएगा बैकग्राउंड के साथ, यानी जो कलर था वो बैकग्राउंड के साथ रिप्लेस हो गया। अब क्या है कि अभी बहुत ही प्रोमिनेंट हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इस पर फोटो पे मतलब बैकग्राउंड पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा कम करेंगे, कुछ इस तरह से 40% या 35%, जो भी साइज़ आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे कि ब्लू कलर था बैकग्राउंड में, इसकी वजह से ये ब्लू ब्लू दिख रहा है, इसको थोड़ा डार्क या फिर हाँ डार्क मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा, डार्क डार्क कर दिया। और जो ये बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड को आप ट्रांसपेरेंसी जैसा रखेंगे उसी हिसाब से रहेगा। मुझे लग रहा है बैकग्राउंड का जो फोल्डिंग है ना वो बहुत बड़ा दिख रहा है, तो उसको कोई दूसरा लेने की हम कोशिश करते हैं। कोई भी बैकग्राउंड इसके पीछे आप डाल सकते हैं, ये वाला भी डाल सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा ये वाला यहाँ पर, ब्लैक में रिप्लेस विद बैकग्राउंड कर रहा है। ये देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये मुझे तो, और ये इसलिए भी सुंदर दिख रहा है क्योंकि जो स्मिता पाटिल, अब इसके हिसाब से मुझे कलर को भी चेंज करने पड़ेंगे, अब हमें कोई दूसरा कलर यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मतलब आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए बैकग्राउंड डिलीट करते हैं और इसको अब डाउनलोड करने में आपको बताता हूँ। सिंपल सिर्फ इसे कोई एक बैकग्राउंड मैं दोबारा चेंज कर देता हूँ, रिप्लेस विद बैकग्राउंड, और इस बैकग्राउंड का ऑपेसिटी थोड़ा कम करते हैं, ठीक है। हाँ ये ठीक है, ये रहने देते हैं। फिलहाल मैं आपको इसको डाउनलोड करने बताता हूँ। देखिए डाउनलोड करने के बहुत ऑप्शन हैं और बहुत सारे तरीके भी हैं, लेकिन आपको डाउनलोड किस फाइल में करनी है, PDF में करनी है, JPG में करनी है। जैसे कि ये अगर मुझे प्रिंट करनी है तो मुझे PDF में ही इसे डाउनलोड करना होगा, क्योंकि PDF में डाउनलोड करने पे सारी फाइलों के जो मतलब साइज़ हैं, कलर हैं, वो PDF में अच्छे से सेव होता है। तो सिंपल फाइल पे जाएंगे और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करते ही इस तरह पे डाउनलोड का एक बार खुल जाता है। डाउनलोड करने का जो दूसरा तरीका है, शेयर पे क्लिक करेंगे तो भी यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमें इसका फ़ोटो डाउनलोड करना है तो यहाँ से PNG में कर लीजिए, JPG भी कर सकते हैं, लेकिन PNG करेंगे तो अच्छी क्वालिटी आती है। और अगर PDF करना है तो PDF प्रिंट पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका ये क्रिएट होना शुरू हो जाएगा और ये थोड़ी ही देर में डाउनलोड हो जाएगा, देख सकते हैं। और इसको ओपन करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर दिखना भी शुरू हो गया। तो आप इसे आसानी से जाके प्रिंट करवा सकते हैं A4 साइज के शीट पर। ये तो बात हो गई कि प्रिंट करने के, लेकिन जैसे सोशल मीडिया पे डालना है तो क्या करना है, शेयर पे गए, डाउनलोड पे गए, PNG में रहने देते हैं और डाउनलोड किया। तो ये इस बार फोटो पेज पर डाउनलोड मतलब इमेज के फॉर्म में ये डाउनलोड होगा और ये हो गया डाउनलोड। तो इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो देख सकते हैं कि ये एक इमेज के फॉर्म में डाउनलोड हुआ है। अब आप इसे सोशल मीडिया वगैरह पर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें बताई, हो सकता है मैंने बहुत सारी चीज़ें मतलब ज़्यादा बता दी या कम छूट भी गया है, मतलब ज़्यादा क्या ही बताया, कितना ही बताओ तो कम ही है कैनवा में। लेकिन मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई उसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। सबसे पहले कि पेपर की साइज़ आपको समझना है, ये मैंने A4 साइज़ पे बनाया है ताकि मैं इसे प्रिंट करवा सकूँ।
उसमें मैंने ये टेक्स्ट बताया, टेक्स्ट के फॉन्ट्स बताए, बोल्ड इटैलिक सब कुछ बताया आपको, नीचे भी टेक्स्ट को बताया कि कैसे ये डाला मैंने, इसके पीछे एक ब्लैक कलर का मैंने एक बार डाला, यहाँ ब्लू कलर का एक डाला, फ़ोटोज़ को मैंने PNG कैसे किया जो फ्री में किया मैंने दूसरी वेबसाइट से, और यहाँ पर देख सकते हैं ये डॉट्स स्टार कैसे डाले, ये यहाँ पर ग्राफिक्स कैसे डाले। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार मन में सोचना है कि आपको क्या बनाना है, तभी आप बना सकते हैं। तो आपको एक डिज़ाइन का एस्थेटिक कैसे अपना डेवलप करना है, इसका जो मैंने एक जो तरीका देखा कि बहुत सारे पोस्टर्स में देखता था, कैसे देखता था मतलब अनजाने में, जैसे शहर में निकला सड़कों पे बहुत सारे पोस्टर्स दिखते थे, उसमें देखता था कि फ़ोटो को कैसे लगाते हैं, फ़ोटो को ज़्यादातर क्या करते हैं राइट में या लेफ्ट में, जो एक एस्थेटिकली है वो अच्छा लगता है, टेक्स्ट को एक अलाइनमेंट हो और कुछ डिज़ाइन हो, बहुत मिनिमलिस्टिक हो, तभी देखने में अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ों को आप भी ध्यान रखेंगे तो आप भी एक अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो है इस कि आप बना किसके लिए रहे हैं, प्रिंट करना है या फिर इंस्टाग्राम के लिए, जैसे इंस्टाग्राम वाला आपको मैंने बताया था, ये सब भी आप स्क्रीनशॉट रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। तो ये तो बात हो गई डिज़ाइन की, अगर आपको कुछ इसमें लग रहा है कि मैं छूट गया या फिर आपको जानना है तो इस वीडियो के कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी हमें बताइए, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँ आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लाऊँ। तो अभी आप हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।